बीजेपी वाले जितने भी हैं सिर्फ कहते हैं, सिर्फ नकल करते हैं और कुछ करते नहीं। एक भौकाल है, लहर है ये। जिस दिन शिवसेना की लहर आएगी ना पूरे वर्ल्ड में, पूरे हिंदुस्तान में इसकी लहर आएगी, तब लोगों को पता चलेगा कि शिवसेना क्या कर रही है। ये बजट एकदम बकवास है, इसमें स्वास्थ्य के लिए इन्होंने कोई भी जगह नहीं रखी है। और ये जो है कांग्रेस और राष्ट्रवादी और ये शिवसेना सरकार ने खाली मिलकर पब्लिक को लूटा है। बुलेट ट्रेन का तो प्रस्ताव है, बुलेट ट्रेन तो भाई देखिए हिंदुस्तान के विकास के लिए जरूरी है। ये सारी चीजें जो है ना समय के हिसाब से चलना चाहिए और अपने आप को अपग्रेडेड रखना चाहिए। महाविकास आघाड़ी सरकार ने साल 2022 और 23 के लिए 24,000 करोड़ के घाटे का बजट पेश किया है। इस बजट में तमाम चीजें शामिल हैं, जैसे कि बुलेट ट्रेन को लेकर शिक्षा विभाग, किसान, महिलाएं, इन सब पर खास फोकस किया गया है। हम आपको बता दें इसके अलावा सीएनजी के टैक्स रेट को कम किया गया है। 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे के बीच इस पेश हुए बजट से लोगों को काफी उम्मीदें थी। आइए जानते जनता से उनका क्या कहना है। महाराष्ट्र सरकार ने 2022 और 23 के बजट पेश कर दिए हैं। किसानों, गरीबों और महिलाओं और स्वास्थ्य और तमाम चीजों पर देखते हुए 24,000 करोड़ के घाटे को का बजट पेश किया गया है, क्या कहना है? देखिए कहीं न कहीं बजट जो महाराष्ट्र सरकार का ये जो रहा है, इस बजट में मैं जो संभाजी राजे जो शिवाजी के पुत्र थे इनके जो स्मारक बनाने वाला जो निधि इन्होंने पास की है मैं उसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। और संभाजी राजे, मैं चाहता हूं संभाजी राजे जी का इतिहास लोगों को विस्तार में पढ़ाया जाए, लोगों को इसके बारे में विस्तार में जानकारी दी जाए। संभाजी राजे का जीवन बड़ा ही कठिन और बड़ा ही संघर्षशील रहा है। महाराष्ट्र सरकार का यह जो बजट है, यह बजट मुंबई महानगर पालिका का इलेक्शन को देख के को मद्देनजर रखते हुए ना हो मैं ऐसी दुआ करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है व्यक्तिगत रूप से कि मुंबई महानगर पालिका का जो चुनाव है वो शिवसेना के लिए बड़ा महत्व रखता है। क्योंकि शिवसेना आज अगर उद्धव जी ठाकरे अगर आज मुख्यमंत्री बने हैं और इनके सांसद अगर आज दिल्ली पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं इनकी शुरुआत जो थी मुंबई महानगर पालिका से हुई थी। और ये किसी भी हालत में इस बजट से आपको कितना फायदा होने वाला है? देखिए इस बजट से मुझे फायदा की बात मत करिए, बजट से राज्य को जो क्या फायदा होगा, जनता को क्या फायदा होगा, इसके बारे में आप भी आते। जनता मैं भी आता हूँ, तो फायदा होगा कि नहीं होगा आने वाला वक्त बताएगा। अभी हमारा जो सरकारें हैं ये बजट तो पास कर देती हैं, शिलान्यास तो कर देती हैं। अभी हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो झोले में नारियल लेके घूमते हैं और शिलान्यास कर डालते हैं, नारियल फोड़ के उद्घाटन कर डालते हैं, लेकिन वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता है। कांग्रेस के जमाने से जो अपना ये चालू था अपना मेट्रो ट्रेन का, कांग्रेस के जमाने में उसका शिलान्यास हुआ, उसमें काम चालू हुआ, बीजेपी की सरकार 5 साल गई, 2.5 साल अभी इनको चला गया है, लेकिन अभी तक बुलेट ट्रेन दौड़ी मैंने मेट्रो ट्रेन दौड़ी नहीं है। तो कहीं ये कागजों पर ना रह जाए। बुलेट ट्रेन का प्रस्ताव रखा गया है? बुलेट ट्रेन का तो प्रस्ताव है, बुलेट ट्रेन तो भाई देखिए हिंदुस्तान के विकास के लिए जरूरी है। ये सारी चीजें जो है ना समय के हिसाब से चलना चाहिए और अपने आप को अपग्रेडेड रखना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार के बनाए हुए इस बजट से खुश है? अगर इसको लागू किया जाए और इसको सारे बजट को लागू करने का एक टाइम लिमिट दिया जाए कि आप 5 साल में करोगे, 10 साल में करोगे, पंचवर्षीय योजना है, 25 वर्षीय योजना है, 1 वर्षीय योजना है, कितने वर्षों में आप इस काम को अंजाम दोगे, इस बजट को अप्लाई करोगे, इसके काम चालू करोगे। महाराष्ट्र सरकार ने 2022 और 23 के बजट को पेश कर दिया है। वहीं देवेंद्र फडणवीस, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने निशाना साधते हुए कहा कि गरीब, महिलाएं, किसान, इन सब के लिए कोई हित का कार्य नहीं किया गया इस पर, कोई जो पेश किया गया है बजट ये इनके हित के लिए नहीं है, क्या कह रहा है? जैसे कि सीएनजी के जो रेट है, फीसदी टैक्स रेट है 13.5 है, उसे कम करके 3 कर दिया है, क्या कहना चाहिए? वोट बैंक इकट्ठा करना तो नहीं? इसी तरह मैडम पेट्रोल डीजल पे भी इनको कम करना चाहिए। फडणवीस सर जो बोल रहे हैं उनकी भी बातों पे ध्यान देकर उनके सुझावों पर कार्य करें। और शिवसेना गवर्नमेंट तो भाई बहुत निराश की है सबको,
महाराष्ट्र सरकार ने 2022 और 23 के बजट पेश कर दिए हैं, क्या कहना आप, क्या उस बजट से आपको खुश हैं? उस बजट से नहीं, उस बजट से तो खुश नहीं है। क्यों नहीं खुश है? सारी जनता खुश रही तो हम कहाँ से खुश रहेंगे? क्या लगता है महानगर पालिका के चुनाव नजदीक है, इसको देखते हुए बजट पेश किया गया कि 24,000 करोड़ का घाटा? देखिए महानगर पालिका का चुनाव अभी हुआ नहीं है, ठीक है, जब होगा तो डिसाइड जनता करेगी, हम आप डिसाइड नहीं कर सकते। विपक्षी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये जो पेश किया गया है बजट, वो तो खाली सुनिए, वो खाली कहते हैं करते कुछ नहीं। बीजेपी वाले जितने भी हैं सिर्फ कहते हैं, सिर्फ नकल करते हैं और कुछ करते नहीं। एक भौकाल है, लहर है ये, जिस दिन शिवसेना की लहर आएगी ना पूरे वर्ल्ड में, पूरे हिंदुस्तान में इसकी लहर आएगी, तब लोगों को पता चलेगा कि शिवसेना क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, वो तो सामने आएगा। महाराष्ट्र में लोग देखते हैं, जनता आज शिवसेना के साथ में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी आई, एक लहर थी, लहर यहाँ पे भी आएगी शिवसेना की और उत्तर प्रदेश में भी डंका बजेगा। इस नए बजट से आपकी क्या उम्मीदें थी? इस नए बजट से हमारी तो बहुत सारी उम्मीदें थी जो नहीं हुई पूरी। ऐसे देखिए कहावत है, कभी घनी घना कभी मुट्ठी भर चना कभी वो भी मना, ठीक है। तो खुश तो जनता भी नहीं है इस बजट से, लेकिन क्या करें, महिलाओं स्वास्थ्य इन सब चीजों को देखते हुए पेश किए गए कई करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही गई है। हाँ कही गई है, लेकिन हुआ तो नहीं ना। कोई भी सरकार हो कहती है लेकिन करती नहीं है, यही तो तकलीफ है। चाहे वो सेना हो चाहे कोई भी अन्य पार्टी हो, जनता खुश नहीं है तो उसमें कुछ नहीं कह सकते। ये बजट एकदम बकवास है, इसमें स्वास्थ्य के लिए इन्होंने कोई भी जगह नहीं रखी है। और ये जो है कांग्रेस और राष्ट्रवादी और ये शिवसेना सरकार ने खाली मिलके पब्लिक को लूटा है, और ये जब तक सरकार में रहेंगे तब तक महाराष्ट्र का नुकसान होगा। कहा गया स्वास्थ्य में महिलाओं के लिए बेड्स और कई अस्पताल बनाए जाएंगे, ये सब बहुत बातें हैं बोलने की। एक्चुअली में आपने देखा कोरोना में इतने बुरे हालत थे, कैसे कैसे हम डॉक्टरों ने अपने लेवल पे मैनेज किया, अदरवाइज इनके ऊपर छोड़ते तो इतनी मौतें होती कि वो सरकार गिन भी नहीं पाती थी। तो कहीं ना कहीं आपका कहना ये है कि महानगर पालिका का चुनाव नजदीक है? बिल्कुल बिल्कुल, ये सब महानगर पालिका के चुनाव के हिसाब से है, और जैसे चुनाव खत्म होगा ये चुन के आएंगे फिर से वही रवैया इनका रहेगा। तो सुना आपने, हमने जनता से बातचीत की, कोई खुश है तो कोई ना खुश है। किसी का कहना है कि महानगर पालिका का चुनाव नजदीक है, इसी को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने ये फैसला लिया है।